तीन पपी हैं, इसने चार पपे चार बच्चे दिए थे नॉन पैकेज जी। अच्छा ये बता दें कि इसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है? पेयर है, ये मेल है और ये फीमेल है। ये भी ब्रीडर पेयर है, ब्रीडर फीमेल है, लॉन्ग हेयर में है और लॉन्ग हेयर जी, लॉन्ग हेयर में कुछ दिनों में ये ब्रीड कर जाएगी मेरे पास। अच्छा। वो एक पूडल की फीमेल है, जरा लेना है वो असर साहब से ले सकते हैं। तो असर साहब अपना फ़ोन नंबर बता दें। मेरा फ़ोन नंबर है 0300-927-3855। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी असद गरोई साहब के सेटअप पे आए हैं और इनके पास टॉय ब्रीड में कुछ वैरायटीज़ हैं और बगल में मेरा ख्याल है जर्मन शेफर्ड है, सही है जी। तो आज क्या क्या दिखाएंगे व्यूअर को? आज मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड की फीमेल है और टॉय ब्रीड में पूडल का पेयर है और एक शिह त्ज़ू का पेयर है और शिह त्ज़ू के पपीज हैं। अच्छा, शिह त्ज़ू के पपीज हैं जी। तो कितने पपीज हैं? तीन पपी। कितने डे के हैं ये? 45 डेज के। 45 जी। तो व्यूअर आज के वीडियो में आपको पपीज भी नज़र आने वाले हैं, टॉय ब्रीड भी नज़र आने वाली है और जर्मन शेफर्ड भी नज़र आने वाली है। तो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, क्या ख्याल है, दिखाना शुरू करें? जी बिल्कुल। चलो जी सर साहब, सबसे पहले क्या? सबसे पहले मैं आपको ये पपीज दिखा रहा हूँ शिह त्ज़ू के। ये मदर है साथ में और ये पपीज़ हैं, मैं आपको इसमें से दिखाता हूँ क्या हुआ। एक ये मेल है, एक ये मेल है और ये एक फीमेल है और ये टी कप में छोटे साइज में से भी मेल है। ये तो तीन पपी हैं, इसने चार पपे चार बच्चे दिए थे और पैदाइशी कुछ बच्चे कमज़ोर भी आते हैं तो दूसरे दिन ही एक बच्चा एक्सपायर हो गया था, तो बाकी ये तीन पपी मेरे पास सही हैं। मेरा ख्याल ये लास्ट वाला है, ये नहीं पता कि लास्ट कौन सा है, लास्ट वाला थोड़ा सा वीक होता है ना। नहीं, इनमें असल में शिह त्ज़ू में कुछ पपी ऐसे आते हैं जो बिल्कुल छोटे साइज के होते हैं जिनको टीकअप कहते हैं। अच्छा, तो ये छोटे साइज में बनेगा पपी, बहुत ज़्यादा छोटे साइज में बनेगा। अच्छा जी, तो ये हाइट कम रहेगी। हाँ, ये ब्राउन और वाइट में पपी है, बहुत ज़्यादा ये कलर पसंद किया जाता है शिह त्ज़ू में और हेयर अभी कम है, हेयर और आएंगे इन पे। ये बिल्कुल इसी तरह, इसके भी हेयर कम है, इसके काटे हुए हैं बाल, ठीक है। इनके बाल इतने होते हैं कि मतलब ज़मीन से भी नीचे होते हैं, पूरे बालों से भर जाते हैं, काटने ही पड़ते हैं बाल। वैसे तो हम इतने बाल रखते हैं, इससे बड़े होते हैं तो फिर गंजा कर देते हैं। अगर कोई घर पे फैमिली वगैरह रखती हैं तो इनको पोनिया शोनिया बांध के बाल बड़े करके रखते हैं इनको। अच्छा ये बताएं कि इनकी अभी वैक्सीन तो होने का भी टाइम नहीं है? नहीं, 45 डेज तो फर्स्ट शॉट लगता है, मैंने इनको नहीं लगाया, कल लगा दूंगा इनको शॉट। अच्छा, कल? हाँ, फर्स्ट शॉट कल लगा दूंगा। डिवॉर्मिंग वगैरह तो नहीं की? डिवॉर्मिंग कर दी। डिवॉर्मिंग कर दी जी। अच्छा, दो महीने के बाद पार्वो लगेगा? देखिए, जो फर्स्ट शॉट लगेगा ना वो उसमें पार्वो ही होता है। अच्छा, जो 45 डेज पे फर्स्ट शॉट लगता है वो उसमें पार्वो ही होता है। अच्छा जी, वो पार्वो का, वो पार्वो की वैक्सीन होती है जी। अच्छा ये बताएं कि इसकी उम्र के कितनी, मतलब कितने डेज का है? ये 45 डेज के हैं पपी। अच्छा जी, इस कंडीशन में, इस हालत में फोर सेल के लिए हैं? जी जी बिल्कुल, फोर सेल के लिए। ये सेल फीड पर है, सेल्फ फीड है, खुद खाना खाते हैं, माँ को भी साथ में छोड़ा हुआ है, खुद खाना भी खाते हैं। अच्छा, मदर फीड भी हो रही है और खुद से जी इनटेक भी कर रहे हैं? जी जी। क्या क्या? अब ये है कि अगर कोई बुक करवा के 10 दिन 5 दिन छोड़ता भी हमारे पास तो हम कोई फ़ौरन नहीं देंगे उसको कि आप अभी ले लें। अगर 5-10 दिन छोड़ के तसली करके लेना चाहता है तो तसली करके ले, अभी मंगाना चाहता है अभी, क्योंकि अभी ये वीडियो अपलोड होते होते भी तो हफ्ता तो लग जाना है, बातचीत होते होते 10 दिन और लग जाने हैं, तो ये 2 महीने की उम्र के हो जाएंगे। तो 2 महीने की उम्र के कंप्लीट सेल्फ हो जाते हैं, मदर फीड बिल्कुल नहीं लेते, अभी थोड़ी बहुत मदर फीड ले रहे हैं, ये सेल्फ भी ले रहे हैं और मदर फीड भी ले रहे हैं। अच्छा, तो क्या प्राइस रखी है? देखें, इस तरह के ब्राउन और वाइट कलर के पपी अच्छी क्वालिटी के 60-65 हज़ार मार्केट में रेट चल रहा है इनका। ये मैं एक पपी 50 हज़ार रुपये का दूंगा। माँ बाप दोनों पेडिग्री हैं इसके, अगर रजिस्टर करा के कोई भी मुझसे लेता है पेडिग्री करवा के तो 10 हज़ार और बढ़ जाने, अगर इसी कंडीशन में लेते हैं बगैर डॉक्यूमेंट्स के, तो ये 50 हज़ार का एक पपी पड़ेगा। क्वालिटी पेडिग्री वाली है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। तो इसमें गुंजाइश होगी? ये देखें, मैं गुंजाइश करके बता रहा हूँ ना, क्योंकि 60-65 मार्केट रेट चल रहा है इनका। अब देखें, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं मार्केट में, ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि क्रॉस होती हैं, पूडल शिह त्ज़ू क्रॉस होता है तो उनके रेट फिर कम हो जाते हैं। ये प्योर शिह त्ज़ू है और ब्राउन और वाइट कलर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा, इसमें दो ही कलर पसंद किए जाते हैं, एक पांडा कलर ब्लैक एंड वाइट, एक ब्राउन और वाइट।
अच्छा, लेकिन ये पेडिग्री नहीं हुई है अभी। पेडिग्री नहीं करवाया क्योंकि अगर कोई अफोर्ड करेगा तो मैं पेडिग्री करवा के दूंगा। पेरेंट्स दोनों पेडिग्री हैं इसके जी। अब नेक्स्ट में क्या दिखाएंगे? नेक्स्ट में मैं आपको एक पुडल का पेयर दिखा देता हूँ। पुडल का जी चलिए ठीक है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। जी असर साहब, ये पेयर दिखा रहे हैं आप? जी जमशेद साहब, ये शिट्ज़ू का पेयर है। हेयर इनके भी कट हुए हैं, छोटे हेयर। आपको मैंने बताया कि इनके बाल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो फिर कटिंग करवा के छोटे ही रखे जाते हैं। अरे अभी तो सर्दियाँ शुरू हैं, ट्रिम क्यों करवाएं इनके बालों को? बाल ख़राब हो जाते हैं इनके, नोट्स हो जाते हैं इनके बालों में। हाँ, नोट्स हो जाती है बिल्कुल। मैं तो अपने पास बिल्कुल गंजे रखता हूँ, जो ज़्यादातर लोग घरों में रखते हैं तो इतने ही बाल रखते हैं इनके। अच्छा हाँ, तो बाकी फिर ज़्यादा बड़े फिर उनकी केयर ज़्यादा होती है, वो हर बंदा कर नहीं सकता, ना कोई करना चाहता है इतनी केयर कि रोज़ाना कंघे लगाए, रोज़ाना शैम्पू करे, तो इतने बाल बस सही रहते हैं। तो इससे कितने दफ़ा लीटर ले चुके हैं आप? ये ब्रीडर पेयर है और ये मेरे पास बाहर से आया है। एक मरतबा उनके पास ब्रीड की थी, मेरे पास इसने ब्रीड नहीं की है। अच्छा जी, मेरे पास तो सिर्फ सेल के लिए आया हुआ है। सेल के लिए जी। तो क्या पेडिग्री है क्या? नहीं, नॉन पेडिग्री है। नॉन पेडिग्री जी। अच्छा ये बता दें कि इसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है? ये लाख रुपये का पेयर पड़ेगा, ये ब्रीडर पेयर, तैयार पेयर भी लाख रुपये का पड़ेगा। अच्छा। जी यानी ये बिल्कुल ब्रीडर पेयर है? हाँ ब्रीडर पेयर है, गारंटेड ब्रीडर है। ब्रीड की मैं गारंटी दूंगा। इसकी जो कॉस्ट जो बाहर से आपने बाहर से आई भी है जी, थोड़ा सा इसके ऊपर और रोशनी डाल दें जी। किस चीज़ की? पॉइंट के ऊपर। पॉइंट्स देखें, ये शिट्ज़ू है और ये अपना वाइट और ग्रे कलर में है, ये ब्राउन और वाइट कलर में है। पॉइंट्स इनके भी शिट्ज़ू वाले हैं, वही चीज़ है, लेकिन ये बड़े। असल होता ही है कि बच्चे जो है शॉर्ट होते हैं, थोड़े बच्चे शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट होने की वजह से थोड़ी मार्केट भी उनकी ज़्यादा होती है और बड़े मिल जाते होते हैं। अच्छा, इनके पॉइंट यानी ये अपने कद और कामत के लिहाज से बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। कद वद हर चीज़ परफेक्ट है, आप देख लें उनकी, मतलब देख लें वो भी यही हाइट है। तो व्यूअर ये डिमांड कर रहे हैं 1,00,000 रुपये, अगर आप लोग तो रब्ता करें असद भाई से जी, तो असद भाई मोहब्बत वाला बीच वाला रास्ता जी इंशाल्लाह निकाल देंगे। ठीक जी, है ना जी। अब क्या दिखा रहे हैं? अब इसके बाद मैं आपको पुडल का पेयर दिखाता हूँ। पुडल का पेयर जी असद साहब, ये जी ये पुडल टेरियर का पेयर है, ये मेल है और ये फीमेल है। ये भी ब्रीडर पेयर है 100%। इसके पप्पी मैंने ही लास्ट टाइम सेल किए थे जहाँ हुए थे, तो ये पेयर भी अवेलेबल है। अवेलेबल है जी। तो ये अंडर एज है या ब्रीडर पेयर है? ये ब्रीडर पेयर नहीं, मतलब कितनी दफ़ा लीटर दे चुकी है इसके? लास्ट टाइम तो एक मरतबा मैंने ही किए थे पप्पी सेल, उसके बाद तो मजीद मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं है पता जी। लास्ट टाइम मैंने इसके पप्पी सेल किए थे, 6 पप्पी थे इनके। तो इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? ये 35,000 रुपये का एक है और ये 70,000 रुपये का पेयर मिल जाएगा, और ब्रीडिंग की इसकी भी गारंटी है, ब्रीडर पेयर है 100%। अच्छा, फर्टाइल है। मेरे ख्याल से दोबारा फीमेल भी हिट पे आ गई है। ट्राई कर रहे हैं ना, फीमेल भी हिट पे आ गई, आ गई हो या नहीं आई हो, लेकिन लग रहा है मुझे यानी कंफर्म ब्रीडर पेयर जी, कंफर्म ब्रीडर पेयर है। अच्छा, मजीद इसमें गुंजाइश हो जाएगी इंशाल्लाह? हाँ, मजीद थोड़ी बहुत ही होगी गुंजाइश, कर लेंगे, मसला नहीं है। इम्पोर्टेड है? नहीं, इम्पोर्टेड नहीं है, लोकल है यहाँ का। लोकल जी जी। चलो नेक्स्ट में क्या दिखा रहे हैं? नेक्स्ट में मैं आपको जर्मन शेपर्ड की फीमेल दिखा देता हूँ। जर्मन शेपर्ड की जी। चलो जी, ये असद साहब ये जी बिल्कुल, ये जर्मन शेपर्ड की फीमेल है, लॉन्ग हेयर में है, ब्रीडर फीमेल है। घुमाए घुमाए जी। अच्छा जी जी, और इसके डिटेल बताएं। ब्रीडर फीमेल है, लॉन्ग हेयर में है, और लॉन्ग हेयर जी, लॉन्ग हेयर में। अच्छा, एज क्या है इसकी? एज तकरीबन 18 महीने है और एक मरतबा ये ब्रीड कर चुकी है। एक महीने ये ब्रीड कर चुकी है। तो इसकी क्या डिमांड है सर? ये 60,000 रुपये की मिल जाएगी। 60,000 जी। अच्छा, इसके साथ मेल भी है अलग से या नहीं है? नहीं, मेल फिलहाल मेरे पास नहीं है, मेरे पास फिलहाल यही फीमेल है। मजीद चीज़ें आती रहती हैं, आप आते हैं यहाँ पर, इन्हीं एक एक केज में 4-4 कुत्ते होते हैं और ये भरे हुए होते हैं ना, डॉग से फार्म भरा हुआ होता है, कभी होते हैं कभी नहीं होते, तो आते रहते हैं। कोई चीज़ आएगी तो लाजमी मैं व्यूअर्स को बताता हूँ, आपको ही बुलाता हूँ, दिखाता हूँ आपसे कवरेज करवा। अच्छा, ये मेट हुई हुई है या विदाउट मेट है? नहीं, मेट नहीं हुई हुई है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है मेरे पास कि मेट हुई हुई है, कब हुई है, नहीं हुई हुई है। अगर हुई हुई होती तो मुझे पता चलता कि भाई ये मेट है। हाँ, तो क्या फाइनल क्या बताया आपने इसका? 60,000 रुपये की फीमेल दे, ब्रीडर फीमेल है। अच्छा, और क्या वैरायटी है आपके पास? और इसके अलावा मेरे पास शिट्ज़ू की फीमेल है, वो मेटेड है, वो भी प्रेग्नेंट है, इसके बाद फिर उसकी बारी है, वो सामने उस तरफ है अपना, ये फीमेल पकड़ना, ये सामने फीमेल, वो ब्लैक एंड वाइट वाली, वो शिट्ज़ू की फीमेल है, वो मेटेड है, कुछ दिनों में ये ब्रीड कर जाएगी मेरे पास। अच्छा। वो एक पुडल की फीमेल है, वो भी मेटेड है, कुछ दिनों में आने वाली है इसकी ब्रीड। उसके बाद यहाँ यहाँ पर हैं, ये पॉम की फीमेल है, ये भी मेटेड है, इस मेल से मेट कराई है। ये जो आप दिखाते जा रहे हैं इनकी प्राइस तो बता दीजिए।
ये मेटेड है, ये रखेंगे इनके पपी, जब आएंगे पपी सेल करूंगा। अच्छा, ये तो प्रोडक्शन के लिए है ना, प्रोडक्शन के लिए। हाँ जब ये, हाँ ये है कि अगर मैं वैसे जनरली बताऊँ, जब ये ब्रीड से फारिग होती है तो ये 50,000 की एवरेज की जो फीमेल्स हैं, ये शिरजू की फीमेल है, और उसके बाद ये मेल है जिससे वो फीमेल मेट हुई हुई है। अच्छा। हाँ ये पॉम का मेल है जिससे वो फीमेल मेट हुई हुई है, पॉम की वो ट्रिम हुई हुई है, उसके बाल कटे हुए। पीछे रशियन की फीमेल बैठी हुई है ये। अच्छा, इसे भी क्रॉस करा रहे हैं। रशियन से भी क्रॉस करा रहे हैं पोमेरियन? नहीं, ये रखी हुई है, जगह नहीं है मेरे पास। रशियन का पॉम से क्रॉस नहीं कराएंगे, रशियन का रशियन से ही कराएंगे। और अगर पॉम से भी इसके बच्चे आते हैं रशियन के, तो अच्छे बच्चे आते हैं, लेकिन वो रशियन में ही सेल होते हैं। अच्छा। हाँ, वो पॉम में नहीं जाएंगे, क्योंकि रशियन से क्रॉस कराएंगे तो रशियन बच्चे ही आएंगे, बड़े वालों में आ जाएंगे। और क्या? उसके बाद ये पिगनिस की फीमेल है, ये भी प्रेगनेंट है, ये पिगनिस की फीमेल है, ये भी प्रेगनेंट है। तो आएंगे ब्रीड तो फिर इसकी मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो ये अभी क्या है, मेट हो चुकी है? हाँ ये मेट हो चुकी है, मेट हो चुकी है जी, ये मेट हो चुकी ये है। जब ये जो आपने दिखाए ये सारे मेट हो चुके हैं, जो मैंने अभी आपको केजेस में दिखाए हैं, जिनके मैंने रेट नहीं दिए, जो रखे हुए हैं, ये मेट हो चुके हैं। देखें, ये जब ब्रीड करते हैं, क्योंकि हम भी साल इंतजार करते हैं या 6 महीने ब्रीड करते हैं, ब्रीड के बाद अगर किसी को चाहिए हाँ तो मैं ब्रीडर चीज़ भी दे देता हूँ, रखता नहीं हूँ अपने पास। ब्रीड होगी, पपीज़ के साथ चाहिए तो पपीज़ के साथ मिल जाएगी, बगैर पपीज़ के चाहिए तो बगैर पपीज़ के। लेकिन इस वक्त आप कीमत यूँ नहीं बता रहे हैं कि आपने इसके लीटर लेने, लीटर लेने हैं जी, लीटर लेने जी, लीटर लेने, ठीक है ना, इसलिए आपने प्राइस नहीं बताया। हाँ। तो व्यूअर, हमने आपको पपीज़ भी दिखाए और जोड़े भी दिखाए, आपको ब्रीडर पेयर भी दिखाए, और जो फीमेल आपको दिखाई गई जो मेटेड फीमेल हैं उनके प्राइस इसलिए नहीं बताए गए कि वो उनके लीटर इंशाल्लाह जैसे आएंगे तो एक वीडियो और बन जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो असद भाई, कोई अगर पैगाम देना चाहते हैं हमारे व्यूअर को डॉग से मुतालिक, कोई अच्छा सा टिप बता दें, क्योंकि सर्दियों का ज़माना है, केयर में क्या वो एहतियात करें, देखें सर्दियों में ठंडी जगह पे ठंड से कैसे बचाएं अपने डॉग का, क्यों कि लाख लाख तीन तीन लाख के भी डॉग्स होते हैं और वो शायकीन भी हमारे साथ टच में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको एक अरसा हो गया, तो आप ज़रा सा कोई अच्छा सा टिप्स बताएं डॉग की। देखें मैं बताऊं आपको कि सर्दियों में सीज़न होता है डॉग्स का, सर्दियों में सबसे पहले तो टिक्स नहीं होते, ठीक है, जो होते हैं अगर गर्मियों के हमारे पास रुके हुए टिक्स और वो टिक्स सर्दियों तक आए तो उनकी मिकदार वहीं रहेगी, उससे बढ़ेंगे नहीं, वहीं रुक जाएंगे। अगर हम सर्दियों में सबसे पहले टिक्स ख़त्म करना चाहें तो ये एक बेहतरीन टाइम होता है टिक्स ख़त्म करने का, स्प्रे करें या नेक्स्ट गार्डन टिक्स ख़त्म करें। सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ डॉग्स के लिए टिक्स होती है, टिक्स से ही डॉग एक्सपायर होता है। अक्सर आप गर्मियों में देखते हैं कि ये डॉग लोगों के एक्सपायर हो रहे होते हैं, गर्मी से कम टिक्स से ज़्यादा होते हैं, गर्मियों में टिक्स ज़्यादा होते हैं। दूसरा, सर्दी में डॉग की कोई ऐसी खास केयर नहीं है, बस सिर्फ आपने ओपन एरिया में डॉग को नहीं रखना, जैसे इसकी छत खुली हुई है, ठीक है, आप देख रहे हैं, ये छत अगर ओपन में किसी ओपन एरिया में रख दूंगा तो ये बीमार हो जाएंगे डॉग्स। अगर मैं इसको पैक करके रखूंगा तो इसको कुछ भी नहीं होना। अभी मैं कराची की वेदर बता रहा हूँ, अब कराची में हवाएं चल जाती हैं तेज, जब हवाएं चलती हैं तो हमें इनको कवर करना पड़ेगा कि डायरेक्ट हवा ना लगे डॉग को, डायरेक्ट हवा भी बीमार करती है। बाकी अलग अलग शहरों के अलग अलग वेदर होते हैं, अपने शहर के हिसाब से वो मेंटेन रखें। तो विवर, असद साहब के कहने का मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी डॉग पालने वाले शायकीन हैं वो हवा से ज़रूर महफूज करें उनको, और ऊपर की जो ठंड पड़ती है उससे भी महफूज करें, मतलब शबनम पड़ती है, शबनम, हाँ, ऊपर की ठंड से भी और हवा से भी। तो ये दो इन्होंने टिप्स बताए। अब एक टेक्निकल इनसे क्वेश्चन करते हैं जी, और उसका मेरा ख्याल मुख्तसर तफसील से जवाब दे दीजिएगा जो थोड़ा शॉर्ट हो, क्योंकि ये जो 3 लाख 4 लाख 5 लाख 30 हज़ार 20 हज़ार के जो हम डॉग लेते हैं उनको हम घर में जो खाना देते हैं, ठीक है ना, तो उससे फिर हमें पता ये चलता है कि उनके अंदर जो मेटिंग सलाहियत है वो नहीं होती, जो गली मोहल्ले के जो कुत्तों में मेटिंग सलाहियत होती है वो इनमें नज़र नहीं आती, क्या फीट का मसला है क्या है? देखिए ये हमने नोट नहीं किया होता, असल मेन चीज़ ये हमने नोट नहीं किया होता, हम सिर्फ ये देखते हैं गली मोहल्ले में कुत्ते मेटिंग के पीछे लड़ रहे हैं, वहाँ एक फीमेल हिट पे आई होती है, 10 कुत्ते होते हैं आपस में लड़ रहे होते हैं, लड़ लड़ के तरस तरस के उनको मेटिंग मिलती है। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ऐसा होता है कि एक मेल के साथ हमने 4 फीमेलें छोड़ी होती हैं, ठीक है, थीके? अब जब एक मेल एक फीमेल के साथ भी 24 घंटे रहेगा चाहे वो हीट पे नहीं हो, जब वो हीट पे आएगी तो वो मेटिंग नहीं करेगा। मेटिंग का तरीका हमेशा ये होता है कि मेल को फीमेलों से अलग रखा जाता है, सीजन पे आई फीमेल मेल लेकर आए, मेट कराई और फिर मेल को अलग कर दिया, ठीक है। आप मेरे केजेस में देख रहे हैं सबके साथ जो है ना कि अपना जो मेट नहीं होनी है सब दो दो तीन तीन है, लेकिन जो स्टड के मेल हैं ये कोको हो गया, ये शिरजू का मेल है स्टड का, ये जो भी हैं अकेले अकेले हैं, ठीक है।
मेरे पास मेल जो भी स्टड का होता है उसको मैं अकेला रखता हूँ, उसको मैं जब फीमेल्स में रखूंगा तो वो मैटिंग। अच्छा, तो नाज़रीन देखें वीवर, आज जो थोड़ी सी टिप लेने की कोशिश की, डाइट, खास करके डाइट और वॉक, ये दो चीज़ें डॉग के अंदर मेंटेन रखेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे डॉग आपको। दूसरी बात ये कि लोग अगर गार्ड डॉग भी लेते हैं तो उसको दौड़ने और चलाने की प्रैक्टिस दें ताकि वो चोर के पीछे भागने की उसको प्रैक्टिस हो, और उसके अंदर के जो विटामिन हैं वो कंप्लीट रहें ताकि वो चुस्त और वो रहे, तवाना रहे। अच्छा, असद साहब से इजाज़त लेने से पहले इनका फ़ोन नंबर ले लेता हूँ, अगर किसी को मशवरा भी चाहिए तो असद साहब से रब्ता कर सकते हैं, और जिस हवाले से भी, कुत्ते की सेहत के हवाले से, ख़रीदो फरोख्त के हवाले से, जो भी जिस किस्म के भी मशवरा लेना है वो असद साहब से ले सकते हैं। तो असद साहब अपना फ़ोन नंबर बता दें। मेरा फ़ोन नंबर है 0300-9273-855, यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पर भी है और ये मेरा पर्सनल नंबर भी है, कमर्शियल भी है, और ये कॉल मैं डायरेक्ट खुद रिसीव करता हूँ, कोई ऑपरेटर नहीं है, कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है कोई भी, और मेरे वॉइस नंबर से बात नहीं करता, मैं खुद डील करता हूँ, खुद कॉल रिसीव करता हूँ। मैसेजेस में रिप्लाई में लेट हो सकता है 2-4 दिन, लेकिन रिप्लाई लाजमी जाता है मैसेज ज़्यादा होने की वजह से। कॉल में तमाम रिसीव करने की कोशिश करता हूँ, अगर कॉल मिस हो जाए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दिया करें। अच्छा, तो व्यूअर आपने देख लिया कि ये वॉइस मैसेज अगर आप छोड़ देंगे तो उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो इजाज़त, अब आपसे लेते हैं इजाज़त असद साहब, बहुत शुक्रिया। और असद साहब के डॉग हमने दिखा दिए, फ़ोन नंबर भी बता दिया, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, जब इनके लेटर्स आ जाए। जी इंशाल्लाह, बहुत जल्द आने वाले इंशाल्लाह। तो व्यूअर ये थी छोटी सी मुख्तसर सी एक वीडियो, और इसमें हमने कोशिश की कि डॉग से मुतालिक इंफॉर्मेशन भी आपको दी जाए, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। डॉग पालें, कोई भी बर्ड पालें, कोई भी पेट्स पालें, उसकी जब तक इंफॉर्मेशन ना हो आपके पास तो हरगिज़ ना पालें, क्योंकि एक आपकी ला इल्मी से कोई अगर परिंदा मर जाता है या कोई डॉग मर जाता है तो एक जान का ज़ियाँ होता है। तो उम्मीद है कि पहले इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद जो भी जिस किस्म की भी इंफॉर्मेशन है असद बुरोई साहब से भी ले सकते हैं, जो पेट्स का हम दिखाते हैं बर्ड्स वगैरह का, उनसे भी इंफॉर्मेशन ले लिया करें, फिर जाके कोई पेट्स रखा करें। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं असद साहब के लीटर के साथ या डॉग मार्केट के वीडियो या सेटअप के साथ। जब तक दें इजाज़त, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।